और एक चीज बताऊं आपको, इस मूर्ति का निर्माण मेरे नाना जी ने करा था। ठीक है ना दीदी, भाई मिलते हैं नवंबर में। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पंचाचोली। और जो अभी बाहर का व्यू है, हल्का सा धूप है लेकिन अभी पीक्स पूरी क्लियर दिख नहीं पा रही है, तो मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। और रात को नींद काफ़ी अच्छी है तो काफ़ी मज़ा आया। अभी सब लोग बाहर चले गए फ्रेश होने, तो मैं भी चलता हूँ। जैसे सोचते हम लोग एक टेंट के स्लीपिंग बैग के अंदर कम्बल डाल के, ओम नमः शिवाय। और जो बाहर के व्यू है कुछ ऐसा है, अभी बादल तो लगे हैं यार, लेकिन काफ़ी सही हुआ सामने से धूप आ रही है। वो तो अभी एक भी हल्का सा दिख रहा है यहाँ से पंचाचोली का, जो सबसे हाईएस्ट वाला है, बाकी तो अभी ढके ही है, क्योंकि हमने काफ़ी फ़ोटो वोटो खिंचा तो काफ़ी अच्छा रहा। थोड़ी देर बात करेंगे यहाँ पे अपना टेंट पैक, फिर जाएंगे नीचे को जहाँ पे बकरी वाले थे, वहीं पे करेंगे अपना ब्रेकफास्ट चाय है। सो चलते हैं। हम लोग थोड़ा सैड भी थे क्योंकि पंचाचोली हमें नहीं दिखा क्लाउड के कारण, लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे देख कर जाएंगे। जा रहे नीचे को और हल्का सा कर रहे हैं टेंट पैक, तो आप लोग टेंट पैकिंग देखिए। बट जो कैंपिंग का एक्सपीरियंस था वो लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था, क्योंकि काफ़ी मज़ा है लोकल के साथ कैंपिंग करने में। और आप लोग जब भी आते हैं तो पंचाचोली में कैंपिंग ज़रूर करें। तो अभी हम लोगों ने अपना टेंट पूरा पैक कर लिया है और हमारा सामान पीछे है, तो अभी हम जाएंगे बकरी वालों के टेंट पे, क्योंकि वहीं पे करेंगे नाश्ता या चाय जो भी होता है, फिर वहीं से चलेंगे सीधा बॉन को। तो 8:30 हो रहा है और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, और हमने पूरा साफ़ करा है, तो हमने यहाँ कोई भी कूड़ा नहीं करा, जो कूड़ा था हम ले जा रहे हैं। और आज का तो ऐसे रहा सीन, तो अभी हल्का हल्का दिख रहा है पीक, लेकिन ढक जा रहा है टाइम टाइम में। तो हम लोग चले यहाँ से पहले बकरी वाले टेंट के वहाँ पे, उनके यहाँ उनका कंबल अम्बल ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने कल काफ़ी कुछ करा। तो फाइनली हम लोग लोकेशन में पहुँच गए, और आप देखो भीड़ अभी सब यहीं पर है, ये हर जगह भीड़ ही भीड़ है, ऊपर भी भीड़ है। और उनका टेंट था, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हमारी हेल्प करी यार, हमें खाना खिलाया, ऊपर से हमें कंबल भी दी 2-3। उफ, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। चल चल चल, एक क्विंटल उठा दे वाला आदमी कमर टूट जाएगी फिर भागेगा। दीदी प्रणाम, ठीक है मिलते हैं, बहुत अच्छा लगा यार। ठीक है दादी, हमारे मालिक साहब हमारे सबसे हैंडसम बॉडी यहाँ पे। शादी की बहुत-बहुत शादी का आपका भी। ठीक है ना दीदी, बाय, मिलते हैं नवंबर में। तो चले हम लोग यहाँ से। तो एक चीज, जब भी आप पंचाचोली बेस कैंप जाते हो तो ये राइड वाला रास्ता जाता है आपको सीधा बेस कैंप को, याला और याला बुग्याल को जाता है, तो आप लोग इसी वाले रास्ते से जाया करें। हम लोग भी भूल चुके थे और हम लोग सीधा चले गए थे ऊपर को बुग्याल को, लेकिन राइड वाला रास्ता आपका कैंप को जाता है और लेफ्ट वाला जाता है आपको सीधा ऊपर बुग्याल को। तो भाई यहाँ से दुगतू भी 1 किलोमीटर ही है, तो सीधा चलते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग दुगतू में रुके चाउमीन खाने के लिए, क्योंकि हमने मॉर्निंग में कुछ खाया नहीं था, चाउमीन खाएंगे। हमारी चाउमीन आ चुकी है तो खाते फिर सीधा चलते हैं। तो जो चाउमीन थी वो काफ़ी सही थी, और अभी बज रहे आपके लगभग 11 और हम लोग जा रहे हैं दुगतू से पौन की तरफ, और मौसम तो अभी फिलहाल ठीक ही है, तो देखते कब तक पहुँचते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ से वही ट्रॉली वाले रास्ते से जो हम लोग कल आए थे, क्योंकि यही वाला शॉर्ट है। तो चलते हैं अब आगे को फिर से चले हम लोग नदी के पार। बाप चक्की, खुशी देख खुशी भारत ब्लॉग तो लगा। तो अब ट्रॉली वहाँ को भेज देगी क्योंकि हमारे दो साथी वहाँ है और ये सब खींच रहे हैं सबको। आपका शुभ नाम?
अतुल गोस्वामी एडवेंचर पे एडवेंचर किसा मरता है अपने साथ पास में को और काफी मजा आ रहा है अच्छा चलता तो हम लोग आ गए दुक्तू से और तो लगभग हमें लगे आधे घंटे दुक्तू से यहाँ पहुँचने में और हालत काफ़ी ज़्यादा टाइट होगी लेकिन शॉर्टकट था तो सही रहा। तो अभी हम लोग रुके उन लोगों के लिए क्योंकि काफ़ी पीछे है और हमारे पीछे वो बॉर्न है और ये फिल्म। तो बॉर्न हम पहुँचेंगे लगभग आधे घंटे में ही, 15-20 मिनट कितने लगते हैं तो आपको वहीं से देते अपडेट। तो अभी हमारा डिनर चल रहा है यहाँ पे विथ माई लल्ला। एक अंडा हाथ में पकड़े हैं, एक अंडा खा दिया है तो हम लोग भी खाते हैं और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और हमारा शायद लास्ट दिन हो सकता है गांव में, तो आपको कल ही अपडेट देंगे पूरी। तो अभी हम लोग आए थे बाहर प्रोग्राम हो रहा है डांस वांस, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है फिर भी लोग देख रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो जा रहे हम लोग गांव से अब अपनी मंजिल की तरफ। हे पम से पम पम माशाल्लाह। और फाइनली हम लोग यहां से जा रहे हैं और अब देखते हैं ट्रैकिंग में कैसा क्या रहता है सीन शॉट। और आप देख सकते हो ऊपर स्नोफॉल भी कर और देखो स्नोफॉल स्नोफॉल। तो चलते तो हमारे यहां पम से हम से कर लिया है तो हम लोग यहां से आ रहे बॉन से और शायद लगभग हमें लगेगा यहाँ से 1 घंटा क्योंकि हमारा सामान उतना ही है। और लेकिन कल इतना स्नोफॉल हो गया, काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। रास्ता भी ख़राब ही होगा शायद क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा आई। सो अभी चलते हम लोग यहाँ से ट्रैकिंग करते करते, रास्ते में काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर होने वाला है तो देखेंगे और आपको वहीं दिखाएंगे। फिर से वही ट्रैक वही रास्ते। ओह हाँ चलो चलो हो। तो हम लोग बॉन्स के फील्ड से नीचे डाउन में आ रहे हैं जहाँ पे आते हम काफ़ी हालत ख़राब हुई थी। तो मामा लोग तो अभी पीछे ही है क्योंकि वो हल्के आएंगे, हम लोग थोड़ा तेज़ जा रहे हैं क्योंकि हमें दांतों भी जाना है अभी। तो सीधा चलते हैं, सामान गाड़ी में रख लेंगे, वहाँ से होगी आपकी मोटर व्लॉगिंग नेक्स्ट लेवल। तो आप देख सकते हैं ऐसी मेहनत करनी पड़ती है और जब उठा रहा है सामान वो ऋतिक है काफ़ी हालत ख़राब। हम लोग चेंज करके जा रहे हैं और मेरा सामान आप लोग देख सकते हैं, एक हेलमेट, एक बैग, एक पीछे बैग फुल्ली लोडेड और पीछे अतुल, हालत मस्त डाउन हो चुकी है। तो अप्रॉक्स 9-10 बजे हम लोग यहाँ पहुँच गए फील्ड में और बॉन गांव आपके वहाँ पे हालत है ना बिल्कुल ख़राब हो गई है। और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अच्छा अच्छा रहा। आम गेट ना खास कर वो लाना कहते ट्रॉली ट्रॉली। हाँ है। तो जब भी आओगे भैया कह रहे हैं कि ट्रॉली लेके आना, लेकिन ऐसा कुछ ही नहीं है, अपना सामान लेके आना जो आप पीठ में डाल सको कि वो काफ़ी ज़्यादा इजी रहता है। तो अभी थोड़ी देर यहाँ बैठते सामान वामान गाड़ी में सामान डालते उसके बाद फिर चलते यहाँ से। तो दुक्तू से हम लोग आ गए और अभी हम लोग जा रहे हैं दातू को और जो ये पुल है काफ़ी सुंदर है, जो सामने नज़ारे वो भी काफ़ी ज़्यादा प्यारे हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जसवीर लल्ला लोग के वहाँ पे मूर्ति है तो वहीं पर दर्शन करके सीधा जाएंगे हम लोग यहाँ से धातुला को। और जो नज़ारे आप देखिए काफ़ी अल्टीमेट व्यू यार, मौसम भी हल्का खुला है हल्का बंद है तो देखते हैं कैसा क्या सीन रहता है। तो आपको सीधा दातू से दातू मिलते हैं जो कि बगल में ही है, तो आप लोग सामने गाँव देख रहे हो वो आपका तीरंग है। तो तीरंग से ऊपर थोड़ा गाड़ी जाती है, उसके बाद आपने मारसा सीपू पैदल जाना पड़ता है और जो पर आप देख सकते हैं बर्फ़ या आपकी कल गिरी।
तो आपके सामने गांव तीदंग है और हम लोग यहीं तक जा रहे हैं क्योंकि अभी जसी लल्ला को अभी वहां पे जाना है। सो चलते हैं यहां से, फिर यहां से आज हमें धारचला भी जाना है और सामने आप देख सकते हैं बर्फ़ में बर्फ़ के पहाड़ जो कि कल बर्फ़ गिरी थी यहां पे, तो काफ़ी अल्टीमेट सीन हो रहा है। तो चलते हैं सीधा यहां से। और जो आप लोग सामने देख रहे हैं ये आपका गो गाँव है जहाँ पे ग्वाल लोग रहते हैं और ये नदी के वाली साइड है। नदी के वाली साइड आपका ये गो हो गया, फिल्म हो गया, बॉन हो गया और यहाँ पे दुक्तू, नातू, सोन सब गांव हैं। अभी पहुँचने वाले जसी लल्ला के वहाँ पे, तो वहीं चलते हैं, वहीं से दिखाते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए जसी लल्ला के वहाँ पे। तो ये है जसी लल्ला की मूर्ति। और एक चीज़ बताऊँ आपको, इस मूर्ति का निर्माण मेरे नाना जी ने करा था, नैन सिंह, और छोटे नाना जी भी है फल सिंह। ओह, सामने आपका दातू गांव, उसके जस्ट ऊपर आपका पंचाजुली 0 पॉइंट और यहाँ पे दातू, सोन, वहाँ पे बॉन। और यहाँ पे समय काफ़ी बढ़िया रहा तो अब हम लोग चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। और काफ़ी अल्टीमेट रहा यहाँ पे, मैं 2011 में आया था और करीबन 12 साल बाद आ रहा हूँ यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लगा। तो अब चलते हैं यहाँ से और मिलते हैं आपको सीधा बाइक के। तो याला पार्ट यहीं पे करता हूँ मैं एंड। तो नेक्स्ट पार्ट में आप लोग देखेंगे बॉन से लेकर धारचूला तक का सफ़र। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद बॉबी एंड कीप सपोर्टिंग।